हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? कैसा रहा आप लोग का होली का वीकेंड? कमेंट करके बताओ। आई होप आप लोग अच्छे से हो गए ना, आपने अच्छे से अपना होली वीकेंड एंजॉय किया एंड कुछ लर्निंग्स भी किया होगा। सो आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो आप लोगों को पता है कि होली का छुट्टी जो मार्केट क्लोज था, तो इस वजह से हमारी वीडियोज आपको नहीं मिली होंगी। बट आपको एक जूम लाइव सेशन हमने रखा था फ्री में क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, बट वो हमारे मेंबर्स मिस कर गए इस बार वाला। बट डोंट वरी, हम उसको फिर से रखेंगे। एक्चुअली हमने ही फेस्टिवल के टाइम पे रख लिया था, बट हमें लगा कि कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए आप लोगों को फेस्टिवल टाइम का, इसलिए हम लोगों ने रखा था। बट जिन लोगों का मिस हो गया वो लोग, आप लोग वरी मत करना, उसका रिकॉर्डिंग तो मैंने डाल दिया है चैनल पर, बट आपको फिर से वो सेशंस मिलेंगे। आप बस कम्युनिटी टैब के पे चेक करते रहना, वैसा कुछ अपडेट होगा तो हम ज़रूर कम्युनिटी पर पोस्ट कर देंगे, ठीक है? सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्विंग ट्रेडिंग की सबसे सेफ प्लस सफल स्ट्रैटेजी, तो हमारे जो पुराने व्यूअर्स थे वो लोग अच्छे से जानते हैं हम एक काफ़ी सिंपल से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट जो भी हमारे नए व्यूअर्स अगर उनको नहीं पता है, तो आप लोग पहले स्ट्रैटेजी की वीडियो देख के आओ, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप लोग पहले देख के आओ, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। एंड देन उसको कैसे सफल बनाना है वो स्ट्रैटेजी को, वो भी आप लोग को पता है जो पुराने व्यूअर्स हैं। ये हमारी शीट है जिसके बेसिस पे हम अपनी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं। इस शीट में हम इसके हिसाब से हम एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट सब हम अपना देखते हैं, जो हमारा रिस्क होता है। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं, आप लोग को ये शीट भी यूज़ करने नहीं आती, तो आप प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, ठीक है? एंड ये शीट जो नए लोग हैं, जिन लोगों को अभी तक नहीं मिली है, आप लोग कमेंट करो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे साइड से। एंड यस, कल जूम पे जो सेशन भी हुआ था ना, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। आप लोग कुछ लोग को डाउट था, हमें मेल आए थे, वो आपको एक रुपये भी पे करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है? हमारे चैनल पे सब कुछ आपको हमारे साइड से जो भी आपको मिलेगा सब फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारे साइड से रहेगा, आपको कुछ भी एक रुपये पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो बहुत बातें कर ली मैंने, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एनालिसिस। लास्ट बने रहना, हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, ठीक है? तो ये देखो निफ्टी 200 के लिस्ट पर मैं हूँ। आपको पता है कैसे हम एनालिसिस करते हैं, वन बाय वन हम देखते हैं स्टॉक्स को। तो क्विकली एक बार मैं ये बता दूँ कैसे देखते हैं हम लोग, आपको बस इस तरह वन बाय वन, इसको मैं डेली चार्ट पे चेंज कर देती हूँ। चलो इसको डेली चार्ट पे मैंने चेंज कर दिया। ये देखो एबीबी में अभी तक हमारा ट्रेड ऑन है, अभी तक हमारा टारगेट है स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, तो इसको ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बट आपको इसको ग्रीड में आके इसको सेल नहीं करना है, कभी भी नहीं। आपका एक ही रूल होना चाहिए, आइदर टारगेट, सॉरी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही इस पर, टारगेट या स्टॉप लॉस, बस ये दो चीज़। जो भी आपका वैल्यू रहेगा इस शीट के हिसाब से, जो भी आपकी वैल्यू रहेगी टारगेट एंड स्टॉप लॉस की, ये जो हमारी शीट है इसके हिसाब से जो भी वैल्यूज़ रहेंगी हमारी, देखो स्टॉप लॉस का वैल्यू जो रहेगा, टारगेट का वैल्यू जो रहेगा, आप उसी पे एग्जिट करोगे। आपको ये स्ट्रैटेजी में अगर कन्फ्यूजन है तो आप एक बार स्ट्रैटेजी की वीडियो फिर से देख लो। तो इसमें जो भी हमारा टारगेट होगा हम उसी पे एग्जिट करेंगे, या स्टॉप लॉस जो होगा हम उसी पे एग्जिट करेंगे। तो इस तरह आपको वन बाय वन देखते जाना है स्टॉक्स को, ठीक है? आपको हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे इसको देखने में। तो आप पहले मेरी वीडियो पहले मत देखना, क्योंकि आपको कोई टिप पर ट्रेड नहीं करना है। मेक श्योर करो आप पहले अपना स्कैनिंग कर लेना, देन हमारी वीडियो से उसको वेरीफाई करना। अगर अभी तक आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो प्लीज़ हमारे तरफ से रिक्वेस्ट है, आप पहले अपनी स्कैनिंग करो देन हमारी वीडियोज़ देखो, ना कि आप हमारे वीडियोज़ को देख के बस स्टॉक के नाम पूछो। एंड कुछ लोग का हमारे पे मेल भी आया था कि आप प्लीज़ कोई व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट करो। तो मैं एकदम आप लोग से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर किसी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आप लोग प्लीज़ उसको एग्जिट कर दो, क्योंकि जब तक आप उन ग्रुप्स में रहोगे आपका पैसा नहीं बनने वाला। एंड हम तो ये कभी भी नहीं स्टार्ट करेंगे, बट मैं आपसे ये बोल रही हूँ बहुत ही हम्बल वे में मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, आप लोग कोई भी ग्रुप, टिप बेस्ड जो भी आपका ग्रुप है, आप उसको एग्जिट कर दो। एंड कोई भी एक सिंपल स्ट्रैटेजी, आप चाहे मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करो या किसी और की आपको अच्छी लगती है, जिससे भी आप कनेक्ट कर पाते हो, जो भी आपको सिखा रहा है तो आप अगर उसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो आप उसकी स्ट्रैटेजी को पकड़ो एंड उस पर खुद से ट्रेड लेना स्टार्ट करो। आपको डर लगता है तो आप एक क्वांटिटी से ट्रेड लेना स्टार्ट करो, बट आप अपने से स्कैन करके ट्रेड लो, ना कि किसी के बताने पर ट्रेड लो, एंड देखो फिर आप कैसे ग्रो करते हो। सो आप मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट मान के देखो, एंड इसी वजह से आप लोग को लोग आप लोग का फ़ायदा उठाते हैं। आप लोग इस तरह से टिप्स वाले ग्रुप की बात करते हो, इसीलिए लोग आपसे
अच्छे खासे अमाउंट भी पे करवा लेते हैं। सो प्लीज़ इस ट्रैप में आप लोग मत फंसो, हमारे चैनल का मोटिव बस यही है। तो बहुत ज़्यादा मैंने बातें कर दी, तो चलो मैंने आज की कुछ स्टॉक्स है वो मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। फर्स्ट है BOI, वन सेकेंड, देखो BOI में हमने उस दिन बात किया था इसीलिए मैंने इसको लिखा है, बट हमने उस दिन बात किया था। यहाँ पे देखो अच्छी रेड कैंडल बनी है, बट उस दिन भी मैंने बात किया था लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था कि यहाँ पे देखो इस रेंज से ये बाहर ही नहीं निकला है। तो हम कभी भी स्टॉक्स की हमारे पास कमी नहीं है, तो इस इन सब टाइप्स के ट्रेड हम अवॉइड करेंगे, वो चले या नहीं चले। इस रेंज में देखो दिख रहा है ना आपको, इस रेंज से बाहर ही नहीं निकला है प्राइस जो है। तो इसीलिए मैंने ये, क्योंकि सेटअप पे था, सेटअप पे तो नो डाउट है, बट एक ये मास्टरी वाली चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। सेटअप पे तो बिल्कुल है, सेटअप हमारा आप जान लो फॉलिंग मूविंग एवरेज हो एंड प्राइस जो है वो उस पर रेजिस्ट करे एंड वहाँ पर रेड कैंडल बने तो हम शॉर्ट करते हैं। तो ये सेटअप पे तो है, बट देखो एक रेंज में मूव कर रहा है, सो मैं इसलिए इसको मैं स्टार मार्क नहीं दूंगी, बट ये सेटअप पे था इसलिए मैंने इसका नाम आपको बताया। देन दीपक नाइट्रेट, एक सेकंड ओपन हो रहा है ये, और ट्रेड टाइगर थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर होता है ना, ये बहुत बहुत हैंग करता है कभी कभी। देखो दीपक नाइट्रेट में कितने अच्छे स्विंग के साथ, देखो एक सेकंड, कितने अच्छे स्विंग के साथ देखो यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। तो एक दीपक नाइट्रेट में ये हो गया हमारा ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड हुआ। अगर आपके, अगर ये फ्यूचर्स में होगा तो आप आराम से फ्यूचर्स में इसको शॉर्ट कर सकते हो, एंड अगर ये फ्यूचर्स में नहीं हो या आपके पास फ्यूचर्स का कैपिटल नहीं हो, तो मैंने बताया है पिछले दो वीडियोज़ में कि आपको कैसे करना है। आपको नेक्स्ट डे कल ही आपको 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पर शॉर्ट के ट्रेड ढूंढना है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पर आपको शॉर्ट का सेटअप मिल रहा है, तो इसीलिए आपको वो ढूंढना है। मैं सारे स्टॉक्स के नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, डोंट वरी। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा महिंद्रा में देखो काफ़ी अच्छा शॉर्ट का एक सेटअप बना है यहाँ पे, तो ये भी आप देख सकते हो अगर आपको सही लगे तो, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप बना है। देन SBI कार्ड्स, इसके बाद कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें रडार में रखना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। एंड लास्ट में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा स्विंग के साथ एक अच्छी सी हमें बेयरिश कैंडल मिली है शॉर्ट के लिए, ये प्राइस अच्छे से स्विंग के साथ गया है मूविंग एवरेज पे। आप लोग अपना एनालिसिस करना, देन मेरी वीडियो देखना, ओके। ऐसा नहीं पहले ही वीडियो देख लेना, एंड बताना मुझे आप लोग ने पहले देखी है या आपने अपना स्कैन करके देखा है, मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पे देखो एक यस बैंक में, ये भी अच्छा शॉर्ट का ट्रेड है। यस बैंक में अभी हम लोग बाई के ट्रेड्स तो मैं पर्सनली बिल्कुल नहीं लेती हूँ, ये मेरा अपना व्यू है, आपको लेना हो तो आप ले सकते हो, बट ये देखो शॉर्ट का ट्रेड अच्छा बना है यस बैंक में। तो ये थे आज के कुछ स्टॉक्स जो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, इन सबका नाम दे दूंगी। सो चलो कुछ स्टॉक्स है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो हमने पहले एनालिसिस जिनमें देखा था। देखिए किसमें टारगेट किसमें स्टॉप लॉस हुआ है, ओ माई गॉड, जस्ट सी DMart ट्रेड लिया था आप लोगों ने, कमेंट करके बताओ। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोग को लिया था ट्रेड इसमें तो 1:2 हमारा कब का ही अचीव हो गया है, कितना ब्यूटीफुली ये परफॉर्म किया है, देखो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं आपको स्टॉप लॉस के भी ट्रेड्स दिखाऊंगी। बॉश में देखो अभी ना ही स्टॉप लॉस हुआ है ना ही टारगेट हुआ है, तो इसे हमें शांति से होल्ड करके रखना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देन वन सेकेंड, देन कमिंस, कमेंट्स में देखो कितना अच्छा टारगेट, हमारा टारगेट की तरफ प्राइस जा रहा है। ये हम इस शीट के हिसाब से अगर टारगेट हो गया हो तो आप एग्जिट कर देना, इस शीट के हिसाब से स्टॉप लॉस हो गया हो तो आप एग्जिट करना, उसके पहले आपको एग्जिट नहीं करना है। एंड यस, टारगेट हो जाने के बाद भी एग्जिट करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि टारगेट हो गया ना आप ग्रीड में उसको होल्ड करके रखो। देन ग्लैंड फार्मा, ग्लैंड फार्मा में देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि हम प्रीवियस कैंडल का हाई रखते हैं ना, इसका हाई देखो यहाँ पे आपको दिखेगा, इस कैंडल का हाई 1805 है एंड इसका हाई एक्जैक्ट 1805 गया है, इसका आज 1800 गया है, तो ये हमारा स्टॉप लॉस इतना हुआ है, तो इसको फियर में आके भी आपको इसको सेल नहीं कर देना है, ठीक है। जब तक आपका एग्जैक्ट वैल्यू पे टारगेट या एग्जैक्ट वैल्यू पे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा आप उसको एग्जिट नहीं करोगे। देन ICICI, नो ICICI नहीं, ICICI प्रूली, ओ माई गॉड, जस्ट सी लिया था क्या ये ट्रेड, लिया था क्या ये, मैंने काफ़ी अच्छे से स्टार मार्क करके भी दिया था आप लोग को, ये ट्रेड आपने लिया था, कमेंट करो तो बताओ लिया था या बस आपने देख के छोड़ दिया था।
ये हमारा आज टारगेट अचीव हो गया है, तो इसको एग्जिट कर देना जिन लोगों ने भी लिया होगा। आप लोग टारगेट टारगेट पे मेक श्योर करना आप एग्जिट करो, टारगेट होने के बाद उसको होल्ड नहीं करना है, ठीक है। इंडस टावर में भी आज हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, कितना ब्यूटीफुली देखो, 5-6 डेज में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। इसमें देख रहे हो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपने चार्ट्स पे देखना। इन्फी का तो पता नहीं आप लोगों ने ट्रेड लिया था या नहीं लिया था, इन्फी ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। देन पीडी लाइट, सारे सब एनालिसिस आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। अगर आपको लग रहा है मैं अभी बता रही हूँ, तो सारे स्टॉक्स के नाम आपको हमारे एनालिसिस वीडियोस में मिल जाएंगे, आप चेक करना वो प्लेलिस्ट। पिडिलाइट देखो, पिडिलाइट में अभी टारगेट नहीं हुआ है, तो इसको होल्ड करके रखना है जब तक टारगेट है स्टॉप लॉस नहीं हो। देन सीमेंस, सीमेंस में देखो टारगेट अचीव हो गया आज 1:2, बहुत ही ब्यूटीफुली जस्ट 4 डेज में देखो टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे हमारा ट्रेड एक आया था जो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, देन री एंट्री हुई थी यहाँ पे, एंड ये देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सो ऐसा नहीं है स्टॉप लॉसेस के बाद री एंट्री भी करना चाहिए, फियर में आपको ऐसा नहीं, आपको री एंट्री नहीं करना चाहिए ऑलवेज। आपको जब भी सेटअप पे मिले ना, आपको जब भी स्टॉक आपको अपने सेटअप पे मिले, आपकी स्ट्रेटजी पे मिले, आपको एंट्री करना है उसमें, ठीक है। देन विप्रो, विप्रो में भी आज हमारा टारगेट अचीव हो गया, देखो कितना ब्यूटीफुली 1, 2, 3, 4, 5 डेज में ही जस्ट हमारा टारगेट अचीव हुआ, वन साइड मोमेंटम मिला है। अब पता नहीं आप लोग से इस होता है, हमारी मेंटालिटी होती है, हमें जब कुछ फ्री में मिलता है ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं देते हैं, हम पेड चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये मेंटालिटी में मत रहो, ऐसा नहीं है, फ्री में भी कभी चीज़ें मिलती हैं तो काफ़ी अच्छी होती हैं, जिन्हें हम अंडर रेट करते हैं। सो आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो एंड देन आप ट्रेड लेना स्टार्ट करो, ठीक है। सो अब कुछ स्टॉक्स हैं, मैं बता दूं फटाफट से, देन नहीं तो वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुछ स्टॉक्स हैं जिसको आपको रडार में रखना है, अडानी पोर्ट्स, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी अब। देखो अडानी पोर्ट्स में यहाँ पे हम इसको रडार में रखना है, हमें रेड कैंडल चाहिए। देन ए बी कैपिटल में भी हमें इसको रडार, ये सारे स्टॉक्स मैं बता रही हूँ इसको रडार में रखना है, इसमें भी ट्रेड हमें नहीं लेना। आज के जो स्टॉक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट ये सारे स्टॉक्स जो हैं वो हमारे रडार में रहेंगे, हम कल देखेंगे इसमें रेड कैंडल बनती है या नहीं। देन ए बी कैपिटल, देन अंबुजा सीमेंट, देखो सब में वही ग्रीन कैंडल बनी है, हमें यहाँ पे कल के डेट में रेड कैंडल बनती है या आगे और रेड कैंडल मिलती है तो हम देखेंगे, अभी हमें कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना है इसमें। देन अशोक लेलैंड में मैंने जैसा बात किया था, आज देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गई है, तो हम वेट करेंगे रेड कैंडल का जब तक हमारा मूविंग एवरेज फॉलिंग है। देन बैंक ऑफ बड़ौदा, देखो सब में वही है, सारा सेटअप की तरफ जा रहा है, बट वी नीड अ गुड रेड कैंडल, ओके। देन बीडीएल, बीडीएल में भी देखो ग्रीन कैंडल बनी है, बीईएल इसमें भी ग्रीन बनी है। देन बीपीसीएल, बीपीसीएल में भी देखो ग्रीन कैंडल बनी है, केनरा बैंक, सिप्ला, सिप्ला में देखो अच्छी बॉडी से रेड कैंडल नहीं मिली है, सो हमें यहाँ पे एक अच्छी बॉडी, ग्रीन के सामने देखो ये डोजी बन रहा है, तो हमें एक अच्छी बॉडी वाला रेड कैंडल चाहिए तभी हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। देन कोल इंडिया, कोल इंडिया में भी देखो ग्रीन कैंडल बन गई है। देन डीएलएफ, डीएलएफ में भी देखो ग्रीन है, ये सारे हम रडार में रखे रहेंगे, इसमें हमें अभी कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच करना है, ठीक है। हमें जब सेटअप पे हमें ऐसे रेड कैंडल यहाँ पे मान लो कल के डेट में यहाँ अगर हमें रेड कैंडल मिल जाती है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। लाइक डीएलएफ में मानो हमें कल के डेट में यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल जाती है, यहाँ पे अगर हमें रेड कैंडल मिल जाती है कल के डेट में अच्छी सी बॉडी वाली, तो हम इसमें फिर शॉर्ट ट्रेड करेंगे। उसके पहले हमें कुछ नहीं करना है, कोई प्रेडिक्शन नहीं करना है हमें, बस हमें अपने सेटअप पे काम करना है। देन इंडियन बैंक, इंडियन होटल दोनों हैं, इंडियन होटल में भी देखो ग्रीन कैंडल बना है रेजिस्टेंस पे, देन इंडियन बैंक इसमें भी ग्रीन बना है। देन IOCL इसमें भी देखो ग्रीन बना है। देन ये सारे आपको बस अपने रडार में रखने हैं, ठीक है, इन सब में आपको ट्रेड नहीं लेना है। सो ये थे कुछ स्टॉक्स, आप और भी स्टॉक्स हैं, आप देखना बहुत से स्टॉक्स हैं आज जो हमें रडार में अभी रखने हैं, मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं बाकी स्टॉक्स भी दिखा दूंगी, तो मैं बस जो आज के स्टॉक्स हैं उसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो
एंड चलो निफ्टी के एनालिसिस कर लेते हैं। सो जैसा हमने देखा था निफ्टी, देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज हमारा फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया है। सो यहाँ पे अगर अब रेड कैंडल बन जाती है, अच्छी सी रेड कैंडल बन जाती है यहाँ पे, सो शॉर्ट के ट्रेड आप ले सकते हो जिनके पास कैपिटल है फ्यूचर्स का। हमें कुछ प्रिडिक्शन नहीं करना है, ठीक है। एंड ओवरऑल देखो तो निफ्टी जो है, ये जो मैंने बॉक्स बना के रखा है, इसी रेंज में निफ्टी मूव कर रही है फ्रॉम 14 दिसंबर से लेके अभी तक, इसी रेंज में निफ्टी मूव कर रही है। सो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, ये एकदम साइडवेज जोन में मूव कर रहा है निफ्टी। तो इस जोन से जब तक बाहर नहीं निकलता, या तो अपसाइड जाए या डाउनसाइड जाए, तब एक ट्रेंड कन्फर्मेशन हो जाएगा। अगर ये अपसाइड चला जाता है देन अप ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो जाएगा, एंड अगर ये इसको ब्रेक करके डाउन साइड आ जाता है तो एक डाउन ट्रेंड का कन्फर्मेशन हो जाएगा। देन हम ईजिली फिर वन साइड ही आराम से हम अपना ट्रेड ले सकेंगे अपना 1% रिस्क से। बट अभी एक दिख रहा है जो एक साइडवेज जोन में निफ्टी मूव कर रहा है। सो कुछ भी प्रिडिक्शन हमें नहीं करना है, हमें जो चार्ट्स पे दिखे वही हमें बस देखते जाना है। एंड बैंक निफ्टी भी देखो, ये एक चैनल में मूव कर रहा था, एंड अभी यहाँ पे अगर रेड कैंडल बनती है देन शॉर्ट के ट्रेड आप ले सकते हो फ्यूचर्स में डेली चार्ट पे। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये शीट आपको चाहिए तो कमेंट करो, जो लोग नए व्यूवर्स हैं उनको फ्री में मिल जाएगी। थोड़ी वीडियो मेरी आज की लंबी हो गई, सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि डेटा में हमने देखा है काफ़ी लोग हमारे वीडियोस को बस वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब्सक्राइब करो ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज फ्री में पहुँचा पाएँ, एंड उन लोगों को ट्रैप में फंसने से बचा पाएँ जो लोग पे करते हैं फालतू का। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।